सिद्धार्थनगर जिले में देर रात हुई भारी बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से किसान पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह से ज़मीन पर लेट गई है। जो फसल लेट गई है वह फसल अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इस बारिश में गेहूँ की फसल को प्रभावित किया, साथ ही दलहन और तिलहन की फसल का भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों के सामने काफ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले में बारिश का प्रभाव सबसे बांसी और शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में है। इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खरीफ की फसल को बाढ़ ने पूरी तरह से बर्बाद किया था, तो इस बार रवी की फसल को बारिश ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। किसान सिर्फ अपना दुख बयां कर सकता है और सरकार से मदद की उम्मीद लगा सकता है। हाँ बताओ क्या क्या नुकसान हुआ? तो इसमें गेहूँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लाही मटर और क्या नाम है प्याज, जो भी हमारी मतलब जो भी खेती है सारी लगभग नुकसान हो चुकी है। और अब तो एक सहारा जो था हम लोगों का, वो सहारा भी हमसे छिनता नजर आ रहा है, छिन भी गया है। और अब तो संकट ये आ गया है कि हमें बाहर कहीं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पलायन करना पड़ेगा, तभी हमारे बीवी बच्चों का मतलब रोजी रोटी चल सकेगा। क्या कौन कौन फसल ज़्यादा नुकसान हुई? अब सबसे ज़्यादा फसल गेहूँ का ही नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ ही ज़्यादा बोया जाता है। सरसों और ये क्या नाम है मटर तो काफ़ी मात्रा में नहीं बोते हैं हम लोग, लेकिन गेहूं और धान सबसे ज़्यादा बोते हैं। तो धान की खेती हमारी बाढ़ से प्रभावित हो गई, तो उसमें भी कुछ नहीं मिल पाया। एक उम्मीद ये थी कि गेहूं की फसल अच्छी होगी तो हम लोग इससे अपनी भरपाई कर लेंगे, लेकिन ये भी फसल नुकसान हो गई। अब हम लोग कहाँ जाएं? बस देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।